हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी फैक्ट्स। आज एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ के बारे में हम बात करेंगे। अभी रिसेंटली क्या हुआ है, जो डोनाल्ड ट्रंप ने H1B वीज़ा को कैंसिल कर दिया है, ठीक है, पूरी तरीके से कैंसिल कर दिया गया है, पूरा 2020 के लिए। ठीक है, अब आज हम पढ़ेंगे आखिर ये हुआ कैसे और क्यों उन्होंने किया है। तो क्या COVID-19 के कारण अमेरिका में अप्रॉक्सीमेट 20 मिलियन है, 20 मिलियन पीपल ने अपनी जॉब लॉस्ट कर दी है। ठीक है, मतलब वहाँ पे 20 मिलियन पीपल की जॉब जाने का ख़तरा बहुत ज़्यादा बढ़ गया, जॉब एकदम से लॉस्ट ही कर दी है। ठीक है, अब ये हुआ क्यों है, ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि बहुत सारे हमारे यहाँ के जो पर्सन होते हैं वो जाते हैं अमेरिका और वहाँ पे जाके उन कंपनियों में वर्क करने लगते हैं, जिससे क्या होता है वहाँ के जो वर्कर्स होते हैं उनकी जॉब काफ़ी कम हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे हमारे यहाँ का एक्सपेंशन बढ़ जाता है। ठीक है, अब देखिए हुआ क्या है, हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो हुआ ये है कि जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन था, जिसने मंथ के स्टार्टिंग में इस साल का जब स्टार्ट हुआ था, तब उन्होंने 60 डेज़ का, आप देख रहे थे, 60 डेज़ का बैन उसने H1B वीज़ा के ऊपर लगाया था। लेकिन अभी रिसेंटली उन्होंने ये जो इमिग्रेशन था एंड नॉन इमिग्रेशन वर्कर का वीज़ा था, वो 2020 तक के लिए सस्पेंड कर दिया, मतलब पूरा 2020 तक, जब तक इलेक्शन नहीं हो जाते पूरे कंप्लीट, तब तक उन्होंने H1B वीज़ा को सस्पेंड कर दिया है। ठीक है, आखिर अब क्या H1B जो वीज़ा था, ये होते, मतलब जो वीज़ास होते हैं जो अमेरिका में जो हमको वर्क देते हैं काम करने के लिए, बहुत ज़्यादा फोर्स करते हैं, मतलब वहाँ पे हम किस तरीके से काम कर सकते हैं, तो ये हमको ज़्यादा देखना पड़ेगा। ठीक है, देखिए, सम वर्क वीज़ा इंक्लूडिंग द मच कोविटेड H1B एंड H2B वीज़ा विल रिमेन सस्पेंडेड। क्या बोला है कि जो H1B और H2B वीज़ा है उसको सस्पेंड ही रखा जाएगा, और इसके साथ जो H4J एंड L वीज़ा जो है विल ऑल्सो रिमेन सस्पेंड। इसके साथ जो H4 है, HJ है और HL वीज़ा है, इसको भी उन्होंने सस्पेंड करने के लिए बात कर दिया, और ये वीज़ा भी एंड ऑफ द ईयर 2020 तक सस्पेंड रहेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। ठीक है, एज ऑफ April 1, 2020 द US सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विस हैड रिसीव अबाउट 2.5 लाख H1B वर्क वीज़ा एप्लीकेशन। देखिए हुआ क्या है, अभी बहुत ही बड़ी खबर आई है। हुआ ये कि जो अमेरिका का US सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विस सेंटर है, वहाँ पे करीब 2.5 लाख H1B जो वर्क वीज़ा है इनकी एप्लीकेशन आई है। ठीक है, 2.5 लाख एक काफ़ी बड़ा एप्लीकेशन का अमाउंट होता है। एप्लीकेशन का मतलब यह है कि क्या बोलते हैं, अलग अलग जगह के लोगों ने वहाँ पे एप्लीकेशन फाइल की है फॉर अ वर्किंग के लिए। ठीक है, देखिए और क्या हुआ है, 2.5 में से भी अगर आप देखोगे तो ह्यूज ह्यूज अमाउंट ऑफ इंडिया हैड अप्लाइड। ठीक है, इंडिया हैड अप्लाइड फॉर एज मैनी 1.84 लाख, और 67% ऑफ द टोटल H1B वर्क वीज़ा फॉर द करेंट फाइनेंशियल ईयर एंडिंग मार्च 2020। ठीक है, और अगर आप यहाँ पे देखो पूरी, अगर ये वाली स्लाइड आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा सारी ये कहानी क्या है। ठीक है, क्या हुआ है कि 2.5 लाख लोगों ने जो एप्लीकेशन दी हैं उनमें से 1.84 लाख, मतलब अप्रॉक्सीमेट टू बाई थर्ड है वो किसने किया है, वो हमारे इंडिया से अप्लाई किया है। 67% काफ़ी ह्यूज नंबर हो जाता है। ठीक है, हमको समझना पड़ेगा आखिर ये क्यों है, और वो भी H1B वीज़ा फॉर द करेंट फाइनेंशियल ईयर एंडिंग मार्च 2021 और 2021 तक के लिए। ठीक है, तो ये काफ़ी बड़ा एक स्टेटमेंट हो गया, और हमको भी देखना पड़ेगा कि हमारे यहाँ कितने सारे लोग वहाँ जाते हैं, तो इसका जो हमारे वर्कर्स हैं उस पर काफ़ी बड़ा इम्पेक्ट पड़ता है। आगे देखते हैं, ट्रंप जो कैंसिल वीज़ा किया है, इसका जो काफ़ी जो इम्पेक्ट है वो कितना पड़ रहा है। ठीक है, देखते हैं, द US गवर्नमेंट हैज़ अ कैप ऑफ 85,000 टोटल H1B वीज़ा फॉर ईच ईयर। ठीक है, जो US गवर्नमेंट है वहाँ पे हर साल 85,000 जो टोटल H1B वीज़ा
की कैप उनको मिलती है, मतलब हर साल इतने लोगों को वो अपने अपॉइंट करते हैं, ये कहने का मतलब है। उसमें से भी ऑफ द 65,000 H1B वीज़ा हैं आर इशू टू हाईली स्किल्ड फॉरेन वर्कर, ठीक है। उसमें से क्या होता है, जो 65,000 होते हैं H1B वीज़ा इशू किए जाते हैं हाईली स्किल्ड फॉरेन वर्कर के लिए, जो फॉरेन में जो वर्क करेंगे उसमें भी जो 65,000, आप समझ रहे 65,000 जो होंगे वो हाईली स्किल्ड होंगे, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा हाईली स्किल्ड उनको रखा जाएगा। और जो 20,000 बचे, क्योंकि यहाँ पे जो क्वांटिटी है वो 85,000 की है, तो जो 20,000 बचेंगे कैन बी एडिशनली अलॉटेड टू हाईली स्किल्ड फॉरेन वर्कर, ठीक है। और जो 20,000 होंगे उसको अलग से अलॉट किया जाएगा हाईली स्किल्ड, ठीक है, हाईली स्किल्ड फॉरेन वर्कर हु हैव अ हायर एजुकेशन और मास्टर डिग्री फ्रॉम अमेरिकन यूनिवर्सिटी, ठीक है। और जो 20 होंगे उनमें से क्या होंगे, जो 20 होंगे 20,000 होंगे उनके पास हायर एजुकेशन और मास्टर डिग्री फ्रॉम एन अमेरिकन यूनिवर्सिटी की होनी चाहिए। इस प्रकार से जो 65 और 20 मिला के 85,000 जो टोटल हाईली स्किल्ड वर्कर वहाँ पे हो जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से वो अपनी पूरी सीट्स को फिलअप करते हैं। देखिए 2.5 लाख एप्लीकेशंस गई थी, लेकिन उनमें से उन्होंने केवल 85,000 को ही अपॉइंट किया है, काफ़ी बिग स्टेटमेंट है, ठीक है, हमको ये भी समझना पड़ेगा। नेक्स्ट, एक मिनट, सॉरी फॉर इंटरप्शन। आगे हम देख रहे थे, जैसे कि आपने समझ गए ना कि 85,000 की वो क्वांटिटी किस तरीके से फिलअप करते हैं। तो एक सेकेंड, स्लाइड कैंसिल हो गई थी। देखिए फिर जो आगे जो हम देखते हैं वो उसमें H1B वीज़ास हैं आर जनरली अप्रूव्ड फॉर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर, ठीक है, फॉर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर फॉर अ पर्सन, बट मैनी वीज़ा आर जनरली अप्रूव्ड फॉर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर, ठीक है। देखो H1 वीज़ास क्या होते हैं, वो जनरली अप्रूव किए जाते हैं 3 साल के लिए, ठीक है, हर एक पर्सन के लिए। लेकिन मैनी वीज़ास होल्डर चेंज एम्प्लॉयर टू एक्सटेंड देयर US स्टे, देखिए लेकिन क्या होता है, हर साल एक ही कंपनी से आप 3 साल तक के लिए US में वर्क कर सकते हो, लेकिन क्या होता है, जो बहुत सारे वर्कर होते हैं उनको वो हैबिचुअल हो जाते हैं, मतलब वहाँ पे वर्क करने के ना पूरी तरीके से हैबिचुअल हो जाते हैं, वो कंपनी टू कंपनी अपने वर्क को चेंज करते रहते हैं और क्या करते हैं, अलग अलग कंपनी से अपना एक्सटेंशन H1B वीज़ा का बढ़ाते रहते हैं। इसका मतलब समझ गए होंगे ना कि पहले वो एक कंपनी में, जैसे हैं जो हमारी बाहर की कंपनी से अमेज़ॉन हो गई, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, ठीक है, और भी जो बड़ी बड़ी कंपनियां उन पे वो वर्क करते हैं, और वर्क करने के बाद क्या करते हैं, जैसे फिर उनका जो नेक्स्ट ऑफिस है जो USA में है, फिर USA की किसी और अदर कंपनी में, वहाँ पे वो अपना ट्रांसफ़र ले लेके उधर उस जगह पे अपना काम करते रहते हैं, और इस तरीके से उनका H1B वीज़ा भी एक्सटेंड होता रहता है, ठीक है। लेकिन इन नवंबर 2017 में क्या हुआ, देखो ये डोनाल्ड ट्रंप जो उनका के प्रेसिडेंट है, 2016 में आए थे, ठीक है, जिस दिन मोनेटाइजेशन हुआ था। आप मुझे बताएंगे कि मोनेटाइजेशन कब हुआ था कमेंट में, ठीक है, ये 2017 में जब वो आए थे तब की बात है। तो इन अ बिड टू डिटर इंडियन चाइनीज़ कंपनीज़ फ्रॉम मिस यूजिंग H1B वीज़ा, द US हाउस जुडिशरी कमेटी वोटेड टू पास अ लेजिस्लेशन टू इंक्रीज द मिनिमम एनुअल सैलरी ऑफ H1B वीज़ा होल्डर टू $90,000 फ्रॉम 60,000। उन्होंने क्या कर दिया भैया, थोड़ा सा उन्होंने एक्सटेंड कर दिया कि अब क्या होगा, जो H1B वीज़ा होल्डर हैं उनकी सैलरी $90,000 होगी 60,000 डॉलर से, ठीक है। लेकिन उसके लिए उन्होंने जुडिशरी में एक कमेटी में वोट पास किया था लेजिस्लेशन करके कि अब बिट टू डिटर इंडियन चाइनीज़ कंपनीज़ फ्रॉम मिस यूजिंग, क्योंकि इंडियन की चाइनीज़ कंपनीज़ क्या करती हैं, वो H1B वीज़ा का मिस यूज़ करती हैं। वहाँ की कंपनी यहाँ पे वहाँ के होल्डर्स यहाँ आते हैं और अपने यहाँ के प्रोडक्ट का काफ़ी ज़्यादा डिमॉन्स्ट्रेशन करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से उन्होंने क्या बोल दिया कि अगर कोई भी यहाँ पे आएगा तो वो जो होगी ना उसको, मतलब H1B वीज़ा के लिए जो कॉस्ट देना पड़ेगा वो $90,000 होगी, किसके कंपेयर में 60,000 डॉलर की, ठीक है। तो ये भी एक ह्यूज बिग स्टेटमेंट हो जाती है, तो हमको ये भी समझना पड़ेगा। ओके चलो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं आगे हुआ क्या। ठीक है, नाउ अपार्ट फ्रॉम द सस्पेंशन ऑफ दीज वर्क वीज़ा, देखो जैसे ये वर्क वीज़ा तो सस्पेंड हो गया, फिर क्यों, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन बाय ट्रंप हैज़ ऑल्सो मेड द स्वीपिंग चेंजेस टू द H1B वीज़ा नॉर्म्स विच विल नो लॉन्गर बी डिसाइडेड बाय द करेंटली प्रेवलेंट लॉटरी सिस्टम। देखो आप सभी को पता होगा जो H1B वीज़ा में जो भी पीपल सेलेक्ट होते हैं वो लॉटरी वीज़ा के कारण सेलेक्ट होते हैं, ठीक है, क्योंकि जो यहाँ पे मैं आपको एक मिनट एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है, सॉरी।
जो 2.5 लाख पीपल हैं उनमें से कितने जाने हैं, 85,000 को जाना है। तो पीपल कैसे सेलेक्ट करेंगे उनको, उनका सिलेक्शन किया जाता है, उनका सिलेक्शन जो होता है वो लॉटरी बेस पे होता है, ठीक है। इस तरीके से उनको सेलेक्ट किया जाता है। फिर द न्यू नॉर्म्स विल नाउ फेवर हाईली स्किल्ड वर्कर हु आर पेड द हाईएस्ट वेजेस बाय देयर रिस्पेक्टिव कंपनीज, ठीक है। और जो नए नॉर्म्स निकाले गए हैं उसके हिसाब से क्या होगा कि जो हाईली स्किल्ड वर्कर होंगे उनको ज़्यादा वेज दी जाएगी उनकी स्किल्स के हिसाब से, रिस्पेक्टिव कंपनी कंपनी के हिसाब से, एंश्योरिंग दैट द हाईएस्ट स्किल एप्लीकेंट्स आर एडमिटेड, ठीक है। ताकि वो क्या कर सके, उन्होंने ऐसा इसलिए बोला है ताकि वो अपने यहाँ नए नए और अच्छे स्किल के लोगों को रख सकें, ठीक है, इसलिए उन्होंने ऐसा बोला है। फिर क्या होता है नाउ, उन्होंने क्या बोला कि सो द टॉप 85,000 सैलरी ऑफर अमंग द 2,25,000 और सो एप्लीकेंट्स विल गेट वीज़ा। उसमें से क्या होगा, जो 2,25,000 में से जो 85,000 होंगे उनकी हायर सैलरी होगी, ठीक है, हायर सैलरी होगी। द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन विल ऑल्सो क्लोज लूप होल्स, ठीक है। ट्रंप वो भी क्या कर रहे हैं, वो लूप होल्स को बंद करने का ट्राई कर रहे हैं, दैट हैव अलाउ एम्प्लॉयर इन द US टू रिप्लेस अमेरिकन वर्कर विद द लो कॉस्ट फॉरेन लेबर, ठीक है। ताकि वो ये जो लूप होल्स को हटाएंगे ताकि क्या होगा, जो अमेरिका के जो भी वर्कर हैं वो वहाँ के जो लो कॉस्ट फॉरेन वर्कर को क्या बोल, लो कॉस्ट फॉरेन वर्कर रखने से वहाँ की जॉब ना जाए अमेरिका के पीपल्स की, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि हम यहाँ के लूप होल्स को हटा के अपने यहाँ के वर्कर को भी एम्प्लॉय देंगे। एंड नाउ इट विल एलिमिनेट कॉम्पिटिशन विद अमेरिका, ठीक है। और धीरे धीरे ये इंडिया वहाँ का कॉम्पिटिशन भी अलग करेगा। इट विल रिड्यूस अमेरिकन कॉम्पिटिशन इन दिस इंडस्ट्री एट द एंट्री लेवल एंड विल डू मोर टू गेट द बेस्ट एंड द ब्राइटेस्ट, ठीक है। धीरे धीरे क्या करेगा, जैसे जैसे वो वीज़ा को मतलब रिस्ट्रिक्ट करते जाएंगे तो वहाँ के लिए जो अमेरिका के लिए जो पीपल्स हैं उन पीपल के लिए उनका रिस्ट्रिक्शन भी काफ़ी कम हो जाएगा। मतलब एक प्रकार से जो उनका कॉम्पिटिशन है फॉर अ जॉब के लिए वो भी कम हो जाएगा, ठीक है। और वो वहीं इसीलिए जो डोनाल्ड ट्रंप है वो हमारे हमेशा अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी बोलते हैं कि अमेरिका ही सभी चीज़ों में फर्स्ट है, इसीलिए हम बाहर के लोगों को यहाँ पर नहीं रखेंगे, ठीक है, ये बोला जाता है। इट विल एलिमिनेट, ठीक है, ये तो हो गया है। नाउ द वीज़ा सस्पेंशन विच रन्स टू द एंड ऑफ द ईयर विल ओपन अप 5,25,000 जॉब्स फॉर US वर्कर, ठीक है। और ये जो वीज़ा सस्पेंशन है ये क्या करेगा, 5,25,000 जॉब्स जो क्या करेगा वापस से एक साल में US के लिए ला कर देगा, ठीक है। काफ़ी बड़ी स्टेटमेंट हो गई। इसके बाद से आगे देखते हैं कि US वीज़ा, US रिजीम चेंजेस द एक्सेप्शन, ठीक है, ठीक है। थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग हो रहा है लेकिन आप लोग थोड़ा ध्यान से समझेंगे, पूरा कॉन्सेप्ट आज हम समझेंगे, ठीक है। द प्रोक्लेमेशन एक्सेम्प्ट दोज ऑलरेडी इन द यूनाइटेड स्टेट एज वेल एज वैलिड वीज़ा होल्डर ओवरसीज, बट दे मस्ट हैव द ऑफिशियल ट्रेवल डॉक्यूमेंट दैट परमिट एंट्री इन टू द यूनाइटेड स्टेट, ठीक है। उन्होंने थोड़ा सा ना एग्जेम्पशन दे दिया है किनको किनको, जो लोग क्या जिनके पास जो पहले से ही यूनाइटेड स्टेट में रह रहे हैं वो इसके अंदर नहीं आएंगे, ठीक है। हमको ये समझना पड़ेगा, जो लोग पहले से ही रह रहे हैं वो इसके अंदर नहीं आएंगे, ठीक है, इस पूरी स्कीम के अंदर वो नहीं आएंगे, ठीक है। तो ये बात है। और सेकंड हो गया कि पहला तो ये हो गया, दूसरा क्या, जो फूड सप्लाई चेन वर्कर्स हैं जिनके पास पीपल डीम्ड इन द नेशनल इंटरेस्ट, नेशनल इंटरेस्ट के H2A वीज़ा यूज टू ब्रिंग द फॉरेन फ्रेमवर्क फॉर एग्जाम, ठीक है। और जो वर्कर वहाँ पे फूड सप्लाई चेन वर्कर्स का काम करते हैं वो भी इसके अंदर नहीं आएंगे, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। नेक्स्ट, जो ऑप्शनल प्रैक्टिस ट्रेनिंग है, द मोस्ट फॉरेन स्टूडेंट आर एलिजिबल फॉर द आफ्टर दे ग्रेजुएट इन द US ऑल्सो रिमेन अनअफेक्टेड, ठीक है। जो ऑप्शनल प्रैक्टिस ट्रेनिंग कर रहे हैं वहाँ पे US में, ठीक है, उनको भी इसके अंदर नहीं रखा जाएगा कि उनका भी वीज़ा सस्पेंड नहीं होगा, ठीक है। जो US में स्टडी कर रहे हैं ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो वो भी इसके अंदर नहीं आएंगे, ठीक है, आप समझ लें अच्छे से। इट ऑफर्स एन एग्जेम्पशन फॉर मेडिकल वर्कर बट इंक्लूड ओनली पीपल वर्किंग ऑन कोरोना वायरस रिसर्च एंड केयर, देखो ये मेडिकल वर्कर्स के ऊपर तो है लेकिन जो कोरोना वायरस रिसर्च करने के लिए जो US में गए हुए हैं उनको इनसे एग्जेम्प्ट रखा गया, उनको H1B वीज़ा जो है उनको उससे कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होंगी, ठीक है, ये है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, US वीज़ा रिजीम
अब थोड़ा थोड़ा फटाफट हम समझ लेते हैं कि ये वीज़ा कौन कौन से कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले H1B वीज़ा, सबसे पहले हम इसी को पढ़ रहे थे तो यही सबसे पहले हम देख लेते हैं। H1B वीज़ा क्या होता है? H1B वीज़ा उनको दिया जाता है जो यूनाइटेड स्टेट टू परफॉर्म सर्विस इन अ प्री अरेंज प्रोफेशनल जॉब्स, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट में जो प्रोफेशनल जॉब्स करते हैं, जो बड़ी बड़ी जॉब्स करते हैं, उनको H1B वीज़ा दिया जाता है। देखा ना, स्पेशलिटी ऑक्यूपेशन, जिनका ऑक्यूपेशन काफ़ी ज़्यादा होगा और वो मस्ट बी बैचलर ऑफ द हायर डिग्री, उनके पास हायर डिग्री होना चाहिए किसी स्पेसिफिक फील्ड पे, ठीक है। विच यू सीक एम्प्लॉयमेंट, वही आपको एम्प्लॉयमेंट देगा। जो भी USCIS है विल डिटरमाइन वेदर योर एम्प्लॉयमेंट कॉन्स्टिट्यूट अ स्पेशलिटी ऑक्यूपेशन वेदर यू आर क्वालिफाइड टू परफॉर्म दी सर्विस, ठीक है। तो ये जो USCIS है ये आपकी क्वालिटी को मैनेज देखेगा, उसके बाद ही क्या करेगा, आपको वहाँ पर जॉब मिलेगी। तो H1B वीज़ा में काफ़ी हाई प्रोफाइल लोग ही जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं H2A जो वीज़ा होता है, H2A जो वीज़ा, ये सीजनल एग्रीकल्चर के लिए होता है, ठीक है। कि जैसे हर सीज़न में जैसे हमारे यहाँ नेक्स्ट नेक्स्ट अलग अलग क्रॉप्स होती हैं, तो ऐसे ही वहाँ पे भी सीजनल वर्कर के लिए जाने के लिए H2A वीज़ा वहाँ पे मिलता है। होता क्या है, जो H2A वीज़ा होता है वो अलाउ करता है US एम्प्लॉयर टू ब्रिंग फॉरेन नेशनल एंड द यूनाइटेड नेशन टू फिल टेम्प्रेरी एग्रीकल्चर जॉब्स फॉर द विच US वर्कर नॉट अवेलेबल। जहाँ पे US वर्कर्स अवेलेबल नहीं होते हैं एग्रीकल्चर काम के लिए, वो क्या करते हैं, तब H2A वीज़ा के ज़रिए नए नए बाहर से लोगों को बुलाया जाता है और वहाँ पर वर्क दिया जाता है, ठीक है। लेकिन ये इंडियन और भूटनीज़ पासपोर्ट जो होल्डर हैं उनके लिए एलिजिबल नहीं है। मतलब जो इंडियन और भूटनीज़ है उनको ये वाला वीज़ा नहीं दिया जाता है, ठीक है। फिर H2B वीज़ा क्या होता है, ये स्किल्ड और अनस्किल्ड, आप नाम से समझ रहे हैं, स्किल्ड और अनस्किल्ड वर्कर, ये उनके लिए दिया जाता है। द वीज़ा इज़ रिक्वायर्ड इफ़ यू आर कमिंग टू द यूनाइटेड स्टेट टू परफॉर्म अ जॉब विच इज़ टेम्प्ररी और सीजनल इन नेचर एंड फॉर विच देर इज़ अ शॉर्टेज ऑफ US वर्कर। अगर US में वर्कर की शॉर्टेज है, वहाँ पर आप H2B वीज़ा लेके आए, वहाँ पर हमने H2B जो वीज़ा हम जो लेके आते हैं उसमें से क्या होता है, इसमें आपको टेम्प्रेरी जॉब US में मिल जाती है, ठीक है, फॉर अ सीज़न। लेकिन यहाँ पे भी इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे भी जो इंडियन और जो भूटनीज़ हैं इनको भी यहाँ पे ये इनके पासपोर्ट्स को यहाँ पे H2B वीज़ा नहीं दिया जाता, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट लास्ट पॉइंट पे हम बात करेंगे, जो US वीज़ा है यहाँ पे जो मेन है, ठीक है, जो हमारा L1 इंट्रा कंपनी। इंट्रा कंपनी में क्या होता है कि आप कंपनी टू कंपनी ट्रांसफ़र होते हो। जैसे हमारी जो L1 वीज़ा इज़ रिक्वायर्ड इफ़ यू आर द एम्प्लॉई ऑफ द इंटरनेशनल कंपनी विच इज़ टेम्प्ररी ट्रांसफॉर्मिंग यू टू अ पेरेंट ब्रांच अफिलियट और सब्सिडरी ऑफ द सेम कंपनी इन द यूनाइटेड स्टेट, ठीक है। तो क्या करेंगे कि आप अगर इंडिया में किसी कंपनी में, बड़ी कंपनी में, जैसे जो ओला हो गई, अमेज़ॉन हो गया, फेसबुक हो गया, ठीक है, फ्लिपकार्ट हो गया, तो जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी में अगर आप यहाँ काम कर रहे हैं, और फिर अगर ये कंपनी, ठीक है, ये कंपनी कुछ सालों के बाद आपका जब वर्क एक्सपीरियंस हो जाता है और फिर आपको कंपनी टू कंपनी अमेरिका में ट्रांसफ़र करती है, तब वहाँ पे आपको L1 वीज़ा मिलता है, ठीक है। नौ जो इंटरनेशनल कंपनी में भी इधर US और फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, और तभी आपको फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन पे वहाँ पे काम करने के लिए मिलता है। और आपकी जो पोस्ट होनी चाहिए वो मैनेजरियल और एग्जीक्यूटिव लेवल की पोस्ट होनी चाहिए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और US कंपनी एट ईदर दीज लेवल्स ऑल दो नॉट नेसेसरी इन द सेम पोजिशन एट द हेड। और ये भी है कि आपकी पोजिशन मैनेजरियल और एग्जीक्यूटिव है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे आपकी सेम पोजिशन हो। इन एडिशन क्या होगा कि यू मस्ट हैव बीन एम्प्लॉयड आउटसाइड द यूनाइटेड स्टेट विद द इंटरनेशनल कंपनी कंटिन्यूसली फॉर 1 ईयर विद इन द 3 ईयर प्रोसीडिंग फॉर योर एप्लीकेशन एडमिशन इन टू द यूनाइटेड स्टेट, ठीक है। जब आपको यूनाइटेड स्टेट में जाने के लिए बोला जाएगा, उसके 3 साल के एक्सपीरियंस में, मतलब जहाँ से जब से आपने काम करना स्टार्ट किया उसके 3 साल के रिसेंटली एग्रीशन में, आपको 1 साल किसी बाहर की कंपनी में आपको वर्क होना चाहिए, ठीक है, आपके 3 साल की कार्य का, मतलब 3 साल के काम में, ठीक है। तो ये पूरा हमने जो वीज़ा के बारे में आज देख लिया है, ठीक है। तो आई होप आपको सारे वीज़ा, सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि US ने ये जो कैंसिल किया इसका कितना बड़ा इफेक्ट आया, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास काफ़ी सारा जो अमेरिका के वीज़ा हैं उनमें हमको एग्जेम्पशंस नहीं मिलता है, वो वीज़ा भी हमारे पासपोर्ट्स में नहीं लगते हैं, तो ये काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो आई होप यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड ऑल द फैक्ट्स। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होती है तो प्लीज़ कॉमेंट करिए और मुझे सारे अपने कॉमेंट्स में जवाब पूछें। एंड प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, बाय।